हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लूट के तीन आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र के खारावाला गांव की सरहद में सड़क चलते पैदल जा रही मां और बेटी का रास्ता रोककर उनके गले में पहने सोने के तिमनिए लूट ले जाने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं बदमाशों द्वारा काम में ली गई बाइक को भी जब्त किया गया है। चौहटन थाना अधिकारी रमेश ढाका ने मामले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 2 नवंबर को दोपहर मूलाराम पुत्र पुन्मा राम ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी माता वर्जू देवी और उसकी बहन शांति अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि खारावाला बस स्टैंड पर उतरने के बाद सड़क से पैदल चलकर जा रही थी। पुनियों की धानी के पास पहुंचने पर एक बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने रास्ता रोककर मारपीट की और चाकू की नोक पर उनके गले में पहने सोने की तिमनिए की डोरी काट कर लूट कर ले गए। पुलिस इस मामले में निकट गांव रामदेरिया निवासी पंकज पुत्र दीपाराम जाति जाट सहित उनके 2 अन्य साथी जयपुर के निवासी भवानी सिंह उर्फ शानू पुत्र चरणजीत सिंह और भावेंद्र सिंह उर्फ भानु पुत्र चरणजीत सिंह 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से बाइक और तिमनिए जब्त किए और गहनता से पूछताछ जारी की। 2018 को मेरी माँ और मेरी बहन पोखरा सरसरद में बस से उतर कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रही थी। तभी 3 अज्ञात लड़के मोटरसाइकिल लेके आए, सामने मोटरसाइकिल रोकी, चाकू निकाल के धमकाया और करीबन 6 तोड़ सोने की तिमनिए लूट के ले गए, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमों को बापरदा अरेस्ट किया है और आगे कार्रवाई जारी। चौटन से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।